हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और अब जो मैं लेक्चर बनाऊंगा वो कंबाइंड बनाऊंगा, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों ही मेरे लेक्चर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरे जो लेक्चर होगा, आप चाहे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मैं दोनों ही लैंग्वेज का यूज करूँगा, क्योंकि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिकल टूल्स, बेटा इस में हिंदी और इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। ठीक है? क्योंकि साइंस है समझने का, तो हम लोग साइंस अब समझने पर ध्यान देंगे। और जब आपकी क्लासेज होंगी तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हिंदी में पढ़ेगा और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ेगा, क्योंकि वीडियो पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग दोनों क्लासों के अब अलग वीडियो बनाए, तो बहुत नेट खर्च होता है। तो एक ही वीडियो से अब हमारे दोनों काम चल जाएंगे। तो आप लोग समंजन करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो मेरी बनेगी। तो आज हम बच्चों ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, वह ग्राफ फिजिक्स का। बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? क्योंकि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जगह जगह हमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं। और बच्चों का ये टॉपिक क्या होता, कमज़ोर भी होता है, क्योंकि उन्हें बेसिक्स तो बताते नहीं हैं, सीधा रटाते हैं कि बच्चों इस तरह ग्राफ आए तो ऐसे बना लेना, इस तरह ग्राफ आए तो ऐसे बना लेना। हम लोग यहाँ पर ये चीज़ नहीं सीखेंगे, हम बेसिक्स करेंगे। हम ग्राफ बनते कैसे, ग्राफ बनाना हम सीखेंगे। देखो एक्चुअल में जैसे एक होता फोटोग्राफ और एक होता ग्राफ। फोटोग्राफ, ठीक है, जैसे हमारे हाथ है, हमारे हाथ का ये फोटो है। अब हमारे हाथ में क्या होती है, दुनिया भर की रेखाएं होती हैं। तो ये रेखा, जैसे अब दुनिया भर की रेखाएं होती हैं, कि जैसे भाई ये वाली रेखा जीवन की, अगर ये रेखा बहुत लंबी तो मतलब आप लंबे समय तक जियोगे। ये धन की रेखा है, ये संतान की रेखा है। ठीक है? इस तरह जो आपकी ये लाइन्स होती है, जो आपकी ये रेखाएं होती हैं, इन्हें देखकर हम बताते हैं कि हमारा कि ये किसकी है, ये किसकी है, इसमें क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, या आपकी ज़िंदगी इतनी। तो उसी तरीके से जो हम ग्राफ हैं, जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ हमें ये बताता है कि इस तरह का ग्राफ इस प्रकार के समीकरण को प्रदर्शित करेगा। अगर ग्राफ सीधा है तो स्ट्रेट लाइन होगा, गोल गोल, मतलब अलग अलग टाइप के ग्राफ। ठीक है? इस टाइप ग्राफ इस प्रकार के पथ को दर्शाएगा, इस प्रकार का ग्राफ इस प्रकार के पथ को दर्शाएगा, इस प्रकार ग्राफ इस प्रकार। ठीक है? तो जैसे अलग अलग तरह की रेखाएं, हमारे हाथ की अलग अलग रेखाएं हमारे जिंदगी के अलग अलग मोड़ के बारे में बताती है, उसी तरीके से जो हमारे ग्राफ होते हैं वो अलग अलग पथ को व्यक्त करते हैं। तो आप ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि ये किस पथ का ग्राफ है। ठीक है बच्चों? तो इसमें जो हम ग्राफ में जो हम मेन डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ। ठीक है? स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? सरल रेखा का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा के ग्राफ के बारे में बच्चों हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों आप जानते हो, जैसे अगर मैं कोई समीकरण लिखता हूँ, इसमें लिख दिया x प्लस 2y बराबर, मान लीजिए 1 है बच्चों। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस समीकरण में x और y की जो मैक्सिमम पावर है, आप देख रहे हो x की मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम पावर कितनी है x की, 1 है। और y की भी मैक्सिमम पावर, जिसे हिंदी में घात बोलते हैं, x की मैक्सिमम पावर कितनी बेटा, 1 है। और y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ऐसा समीकरण जिसमें x की मैक्सिमम पावर भी 1 हो और y की भी मैक्सिमम पावर 1 हो, तो ऐसा समीकरण जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो बेटा, 1, और y की भी मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, ऐसा समीकरण किसे प्रदर्शित करेगा, किसे रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन को, सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को। क्लियर? तो जिस समीकरण, अगर आपको कोई समीकरण दिया, आप समीकरण, ठीक है, तो अगर आपको कोई समीकरण दिया और उस समीकरण में आपके देख रहे हो बेटा x की मैक्सिमम पावर 1 है
और वाई की मैक्सिमम पावर 1 है, अगर दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है तो ऐसा ग्राफ आपके स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहेंगे ये किसका, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन का होगा। चलो हम, आपको विश्वास नहीं है तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो बच्चों जैसे आपने ग्राफ प्लॉटिंग की होगी 10th क्लास में, तो ये आपके जैसे आपको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए हम कार्टिजन प्लेन को निर्देशा, ठीक है ना, कार्तीय निर्देश तंत्र बोलते हैं हिंदी में। तो आपने कार्टिजन प्लेन बना होगा, तो ये आपका, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है बच्चों, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, आप सब लोग जानते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब जैसे मुझे इसका ग्राफ बनाना, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको जैसे टीचर ने पढ़ाया होगा बच्चे, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो आपको बता एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू क्या बच्चों, 1 है। तो बच्चों 2y कितना आ गया आपका, 1 माइनस के x आ गया, ठीक है, या x इक्वल टू क्या आ गया, जैसे समझ लो x इक्वल टू 1 माइनस के 2y आ गया बच्चों, ठीक है। अब आप कुछ x की वैल्यू लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे यहां पर मैं, ठीक है, मैं ये टेबल से बना रहा हूं, इधर y की वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चों और इसके करस्पॉन्डिंग मैं इधर x की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरा y की वैल्यू ले रहा हूँ 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। तो इनके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो बच्चों जब y की वैल्यू मैं 0 लूंगा तो 2 × 0, अगर दो को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं, गुना करूं, तो कितना आएगा बच्चों, 2 × 0 = 0, तो 1 − 0, तो बच्चों ये आ गया आपका 1। अगर मैं y की जगह 1 रखता हूं बच्चों यहां पर, तो 2 × 1 = 2, 1 − 2 कितना आएगा बच्चों, −1। अगर y की जगह बच्चों मैं −1 रखता हूं, तो −1 × −2, −1 इसके बच्चों आपको प्लस, तो कितना आएगा 3। और y की जगह अगर बच्चों मैं 2 रखता हूं, y की जगह 2, 2 × 2 = 4, −4 प्लस का 1 बच्चों, तो कितना रह गया, −3, ठीक है। तो अब आप ग्राफ पर, ये आपका ग्राफ बन रहा बच्चों, इस ग्राफ पर देखो मैं कह रहा हूँ इधर y है इधर x है, तो y की कौन कौन सी वैल्यू आपने लिए, 0, मतलब y की वैल्यू आपने लिए −1 से 2 के बीच में, तो −1 मैं कह रहा हूँ ये आपका −1 है, ये आपका 0 हो गया बच्चों, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो y की वैल्यू तो आपको ये प्राप्त हुई है, और इनके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कहाँ से कहाँ मिल रही है बच्चों आपको, −3 से 3 के बीच में, तो −3 बच्चों मैं कह रहा हूँ ये आपका −1 है बच्चों, ये आपका −2 है, ये आपका −3 है, और पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू 1 तक, ये बच्चों आपका 1 है, ये बच्चों आपका 2 है और ये बच्चों आपका 3 है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे आपकी ग्राफ बनाते हैं, जब y की वैल्यू आपके बच्चों कितनी है, 0, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, तो मतलब y की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट के संगत करस्पॉन्डिंग y कितना बच्चों आपका 0, अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूँ y 0 और x 1 है बच्चों। जब आपके बच्चों y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, −1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, −1, तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कितनी है, −1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें बच्चों तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, सॉरी y की मैंने उल्टा बना, हाँ सही है क्या, हाँ सही है, y की वैल्यू 1 है, y 1 और x −1, सॉरी यही होगा, इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों आपको, क्योंकि ये वाला पॉइंट मिलेगा ना इसका, या इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें, क्लियर। अगर बच्चों मैं वाई की वैल्यू −1 लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू मुझे 3 प्राप्त हो रही है, 3 मिल रही है, तो वाई की वैल्यू बच्चों −1 है और एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग कितनी बच्चों, देखो इसके करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ रही है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मुझे 3 मिल रही है, ऐसे आप देख रहे हो ग्राफ से।
अगर बच्चों मैं वाई की वैल्यू टू लेता हूँ, सो वाई की वैल्यू टू लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या क्या मिल रही है बच्चों मुझे? -3। वाई की वैल्यू टू लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू -3, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों अगर मैं देखूँ कुछ ऐसे, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर, ये वाला, तो ये 4 पॉइंट आपको इस तरह मिल गए। तो आप एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इन पॉइंटों को मिलाता हूं तो ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं बच्चों, आ रहे नहीं आ रहे? तो अगर मैं इनको मिलाऊं तो इन पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन खिंचेगी, क्योंकि जब हम स्केल से बनेंगे तो बिल्कुल ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर ही आएंगे। ठीक है, तो आपको देखो ये पॉइंट आप किस पर आए, स्ट्रेट लाइन पर आए, आपकी सरल रेखा बन रही है बच्चों। आप देख रहे हो कि आप कैसी लाइन मिली, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, ठीक है, आपको मिल रही है। तो ये आपका इसका ग्राफ हो गया। तो आप देख रहे हो कि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, और आपको कैसा ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला। ठीक है, अभी मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं कोई वैल्यू लेता हूँ 2x -y इक्वल टू बच्चों 1 लेता हूं मैं, 2x -y इक्वल टू 1। तो आपसे कहा गया बच्चों कि इसका ग्राफ चलो प्लस ले लेता हूं मैं, 2x प्लस वाई, पहले x प्लस 2y इक्वल टू 1 किया था, अब 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 ले लेता हूं। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो रखते इसका ग्राफ बनाते, तो वैसे तो हमें पता कि इसे अगर आप स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पर भी, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी 1 है और वाई की मैक्सिमम पावर 1 है। तो देखो ग्राफ बना के मैं बाद में आपको कुछ चीज़ें और शो करूँगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या क्या होगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, तो मैं यहाँ से कहूँगा वाई इक्वल टू क्या बच्चों, देखो वाई इक्वल टू आपका आएगा -k 2x +k 1 बच्चों, क्योंकि आप इधर देखो तो वाई की वैल्यू -2x+1 आएगा। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर आपके वाई और एक्स तो वेरिएबल है ही, तो इधर अब मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगा और इसके करस्पॉन्डिंग किस वैल्यू निकालूंगा, वाई की वैल्यू। तो देखो मैंने एक्स की वैल्यू 0 ली बेटा, 0, एक्स की वैल्यू चलो मैंने -1, एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 2। ये वाली वैल्यू मैं कंसीडर करता हूं, जब एक्स की जगह मैं -1 लूंगा बच्चों, ठीक है -1 लिया तो -2 × -1 क्या होगा बच्चों, +2 हो जाएगा ना, तो +2 + 1 कितना गया, +3। तो वाई की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ठीक है, 3 आपकी वैल्यू आ गई। जब बच्चों मैं एक्स की जगह 0 लेता हूं, एक्स की जगह मैंने 0 रखा, -2 × 0 तो ये 0 गया, तो वाई की वैल्यू आपको कितनी मिली बच्चों, 1 मिली। और जब मैं एक्स की वैल्यू बच्चों 1 ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी आपकी, 1 है, तो -2 + 1 कितना आ गया बच्चों, -1 मिलेगा। एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ तो -2 + 1 1 मिलेगा, और एक्स की वैल्यू बच्चों मैं 2 लेता हूँ, -2 और 2 4, -k 4 + k 1 कितना आ गया बच्चों, 3। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाता हूँ बच्चों, इसका ग्राफ बनाते हैं हम इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो मैं इसे करस्पॉन्डिंग ग्राफ ले रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। अब यहां पर देखो आपकी एक्स की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है बच्चों, मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 2, मतलब -1 से 2 की ली। तो ये आपकी एक्स अक्ष हो गई, एक्स एक्स जो आपकी है एक्स अक्ष कहो, और ये आपकी वाई एक्स या वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं एक्स की वैल्यू आपकी वेरी कर रही है -1 से 2, और वाई की जो वैल्यू है बच्चों वो वेरी कर रही है कहाँ से कहाँ, वो वैल्यू वेरी कर रही है आपकी, नहीं यहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई है क्या? देखो एक्स इस पर भी 2 मिल रहा है, एक्स जगह -1 में लेता हूँ, -1 - 2, -1 - -+ हो जाएगा +3, और एक्स जगह मैं 2 लेता हूँ तो बच्चों 2 और 2 -4 + 1 -3 आएगा बच्चों, है ना?
एक्स जगह टू पर, ये गलती हो गई हमारे से, एक्स जगह हम टू लेते तो टू और टू माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री आएगा, तो माइनस थ्री से थ्री के करस्पॉन्डिंग वेरी कर रही है चलो वाई के लिए, तो एक्स के लिए माइनस वन से प्लस टू। तो देखो अच्छा ये मैं कह रहा हूँ ये माइनस वन, जीरो, ये वन और ये टू, ठीक है। एक्स वैल्यू तो माइनस वन से टू के लिए, वाई की वैल्यू माइनस थ्री से थ्री, ठीक है बच्चों। ये आपका माइनस वन, ये आपका माइनस टू और ये आपका माइनस थ्री, ठीक है। माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरीके से, ये आपका प्लस वन, ये आपका प्लस टू और ये आपका प्लस थ्री, ठीक है ना। चलो अब लेते हैं ग्राफ बनाते हैं, जब एक्स की वैल्यू आपकी माइनस वन है तो बच्चों वाई की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, थ्री। एक्स की वैल्यू माइनस वन है और एक्स की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू आपको कितनी बच्चों आप देख रहे हो, थ्री। एक्स माइनस वन ये है और वाई प्लस थ्री ये है, तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसके संगत करस्पॉन्डिंग हमें ये वाला पॉइंट मिला, इसके लिए एक्स, इस पॉइंट के लिए एक्स कितना बच्चों आपका माइनस वन और वाई कितना आपका थ्री। अगर मैं एक्स की वैल्यू बच्चों जीरो लेता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी मिली मुझे, वन। एक्स की वैल्यू जीरो ये वाला हो गया और वाई की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू वन इसका मतलब ये एक्स इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, जीरो, और वाई की वैल्यू कितनी है वन, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें। और थर्ड हम देख रहे हैं बेटा, एक्स की वैल्यू आपकी वन है, वाई की वैल्यू माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू वन ये वाली और वाई की वैल्यू माइनस वन, तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग तो हमें अप्रोक्सीमेट ये वाला पॉइंट मिलेगा। और एक्स की वैल्यू टू है, वाई की वैल्यू माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू टू है, वाई की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग हमें अप्रोक्सीमेट ये वाला पॉइंट मिलेगा बच्चों। तो ये पॉइंट आपको मिले बच्चे, आप जैसे आप देख रहे हो ग्राफ से, तो अगर मैं इन पॉइंटों को ज्वाइन करता हूं, तो आपको ये ग्राफ मिलता है, ठीक है। इस ग्राफ की इक्वेशन क्या बच्चों, इस ग्राफ की इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई इक्वल वन, और इस ग्राफ की इक्वेशन क्या बच्चों, इस ग्राफ की इक्वेशन है टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन बच्चों, ठीक है। तो आपको ये चीज इन दो ग्राफ से इतना तो क्लियर हो गया कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई हो और जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर वन और वाई की मैक्सिमम पावर क्या बच्चों, वन हो, तो वो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर पता चल गया है, ठीक है बच्चों। ये आपको क्लियर हो गया है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसे हम लोग सामान्यतः यूज करते हैं। तो देखो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, सरल रेखा के जो स्टैंडर्ड समीकरण है, मानक समीकरण है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा की जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चों, वो होती है आपकी क्या, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है बेटा, ठीक है। जो हम इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो इस फॉर्मेट में लिखते हैं, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों। ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसकी, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आपकी, y इक्वल एम एक्स प्लस सी है बच्चों। अब यहाँ पे ये y क्या है, ये x क्या, m क्या, y तो आप जानते हो, ठीक है ना,
ये क्या है? अब देखो इसमें थोड़ा चर्चा करते बच्चों। तो यहाँ पे जो वाई, तो वाई एक्स, ठीक है, वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, वाई एक्स तो आप जानते हैं निर्देशांक है। बट जो एम है, एम को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। और स्लोप मतलब आप सब लोग जानते हो स्लोप क्या होती है, एक तरह के स्लोप ढलान, क्या बोल, स्लोप क्या होती है आपकी, ढलान, कि कितनी ढलान है, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं ढाल। अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा स्लोप क्या होती है, ढाल क्या होती है। बस ये ध्यान रखो कि एम को बच्चों हम क्या बोलते हैं, स्लोप, हिंदी में इसे ढाल बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। ढाल मतलब स्लोप मतलब ढलान, एक तरीके से कितनी ढलान, क्लियर। और बेटा सी को हम बोलते हैं स्ट्रेट इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन, इंटरसेप्ट कह लो, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। और हिंदी बोलते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं सरल रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक, इंटरसेप्ट वाला अंतःखंड, ये हिंदी में बोल देते हैं। इसे बोल सी क्या, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बाई स्ट्रेट लाइन, और सही क्या होता है ना, बाई स्ट्रेट लाइन, क्लियर बच्चों। तो हम लोग एम का डिस्कशन कर लिया, हमने सी के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। अब अपनी चर्चा होगी एम और सी पर। देखो एम और सी क्या होता, थोड़ा बता देता हूँ। एम को हम लोग बोलते हैं ढाल, स्लोप, और ये एक्चुअल में होती है टेन थीटा के इक्वल। अब ये टेन थीटा क्या है, ये क्या है, अभी चक्कर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा इसको ग्राफ से आप देखिए। देखो बेटा इस स्ट्रेट लाइन की जो ग्राफ है, इस स्ट्रेट लाइन की जो ग्राफ थी, इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन, वो क्या बच्चों, आपकी एक्स प्लस 2y इक्वल 1, ठीक है। यहां से आप थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो 2y इक्वल 2 क्या आ गया बच्चों, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना चाहूं, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की, आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, वो क्या बच्चों, वो है आपकी y इक्वल mx प्लस c, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को जो आपकी ये इक्वेशन है, इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगा, तो क्या होगा बच्चों, 2y इक्वल टू क्या होगा आपका, 1 माइनस के x। और इस फॉर्मेट में y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1/2 माइनस x/2। तो इसको मैं लिख सकता हूं y बराबर जो हम mx प्लस c, तो m मतलब x पे लिखना, तो -x/2 +1y2। तो बेटा जो आपकी ये वाली इक्वेशन है x प्लस 2y, जब मैंने इसको इस स्टैंडर्ड जो स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में लिखा, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी, ये इक्वेशन आ गई y इक्वल -x/2 + 1/2 बच्चों, क्लियर। तो देखो यहां पर जो ये, अब देखो ऑन कंपेयरिंग करो, ऑन कंपेयरिंग y इक्वल mx प्लस c, जो आपकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, y इक्वल mx प्लस, कंपेयरिंग करो बेटा, तो m क्या है, m की वैल्यू कितनी बच्चे यहां पर, -1y2, क्लियर। और c की वैल्यू क्या बच्चों, c की वैल्यू है 1y2। अब देखो अभी मैं चर्चा केवल c के बारे में करूंगा, यहां पर y के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा, m के बारे में। देखो c है यहां पर, मैंने क्या लिखा है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाई स्ट्रेट लाइन, और हिंदी में लिखा सरल रेखा द्वारा y एक्स पर काट गया अंतःखंड। अंतःखंड मतलब पोर्शन, मतलब इस लाइन द्वारा, इस स्ट्रेट लाइन द्वारा y अक्ष का जितना पोर्शन काटा गया उसे बोलते बेटा सी। देखो y अक्ष का, इस स्ट्रेट लाइन द्वारा y अक्ष का कितना पोर्शन काटा गया, ये वाला पोर्शन काटा गया बच्चों,
अब देखो बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 1/2, और यहाँ पे भी कितनी आ रही है, देखो ये 0 और ये 1 के बीच में 1/2 आ रही, नहीं आ रही, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कहलाती है आपकी क्या, सी, ये सी है, क्लियर। तो ये सी हो गई, तो ये सी 1/2, क्लियर। अब इस तरह इस इक्वेशन देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ बच्चों, तो आपकी ये इक्वेशन क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, क्लियर। सो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, y इक्वल टू आपका आ गया -2x प्लस 1। तो ये अगर मैं इसकी कंपेयरिंग किससे करूं, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो बच्चों यहाँ हेयर m इक्वल टू क्या है, x की जगह x के आगे जो लिखा होता है वो m है, जिससे मैंने स्लोप नाम दिया है। m की वैल्यू कितनी बच्चों, -2, और c की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी 1, बोलो है नहीं। m की वैल्यू आपकी -2 है, c की वैल्यू आपकी 1 है, जो आप यहां से देख रहे हो। तो यहां पे सी का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन द्वारा वाई अक्ष का जितना पोर्शन कट किया गया। तो देखो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन द्वारा वाई अक्ष का कितना पोर्शन काटा गया, ये वाला, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आपकी 1 तो है, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी क्या क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये वैल्यू आपकी सी है, तो आपकी सी कितनी आ गई 1। अब देखो यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप क्या है, -1/2 नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा आ रहा है एम के लिए नेगेटिव स्लोप, कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी m की वैल्यू -2 है, ये स्लोप ऐसे आ रही है, ठीक है। तो अभी मैंने केवल c के बारे में चर्चा करी है, इसके बाद हम m के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि सभी चीजें बच्चों आप नोट कीजिए, ये m के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको मैंने c के बारे में थोड़ा सा बताया, और स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बताया, यहाँ तक कि सारी चीज़ें आप नोट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।